जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी वीडियो के पीछे हिस्से में कि आज महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता को याद किया गया इस मौके पर, और इसके पीछे पूरा जो एक इंतजाम किया गया और उसके जो हमारे हेड थे हमारे सर श्री मयंक मांगली साहब थे, आइए जानते हैं कि आपके इतना अच्छा विचार कैसे आया कि आज आपने सबको भूले हुए को याद कराया, आपसे जानते हैं। वर्तमान पीढ़ी में उनके कार्यों के प्रति क्या विचारधारा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। देखा होगा कि मैंने टाइटल डाला है गांधी जी जिंदा है। आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी तो 30 जनवरी को इस दुनिया से चले गए थे, तो आज वो कैसे जिंदा है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच वो किताबों में जिंदा है, हमारे विचारों में जिंदा है, हमारे ख्यालों में जिंदा है। अगर पूरे भारत में बात की जाए या पूरे विश्व में बात की जाए तो दो ही जगह ऐसी हैं, एक रामपुर और एक दिल्ली, जहाँ असली गांधी जी की अस्थियाँ मौजूद हैं। लेकिन हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, पूरे विश्व में वो मौजूद। इस वीडियो को आगे देखिए। आप लोगों ने देखा कि अभी वीडियो के पीछे हिस्से में कि आज महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जी का याद किया गया इस मौके पर, और इसके पीछे पूरा जो एक इंतजाम किया गया सर श्री मयंक मांगली साहब थे, आइए जानते हैं कि आपके दिमाग में और आपके ख्याल के अच्छा विचार कैसे आया कि आज आपने सबको भूले हुए को याद कराया, आपसे जानते हैं। हमारे राष्ट्रपिता रहे और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। पता नहीं क्या कारण है, आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनके योगदान को कुछ कमतर आँकती है, और उनका कोई दोष भी नहीं है क्योंकि उन्होंने उनकी कोई उस समय की परिस्थितियां नहीं देखी। मेरे से पुरानी पीढ़ी के लोग, मेरे पिता लोग या और बड़े लोग जो थे, गांधी जी उनके लिए आदर्श रहे। मुझे भी उन्हीं से प्रेरणा मिली, उन्हीं का मतलब अपने बुजुर्गों से, तो मेरे लिए भी वो आदर्श हैं। वर्तमान पीढ़ी में उनके कार्यों के प्रति क्या विचारधारा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो आज का जो कार्यक्रम, जो स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम था, और सभी हमारे कर्मचारी भाइयों ने उसमें बिना किसी दबाव के या स्वेच्छा से जिस प्रकार उसमें शिरकत की, उससे स्पष्ट होता है कि चाहे ज़माना कुछ भी कहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए मन में लोगों के लिए अभी भी श्रद्धा है। और बस बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए, एक मेरे एक मित्र हैं, मित्र तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी सीनियर हैं, उनका एक छंद है, वही मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। भाइयों के खून से सने हों भाइयों के हाथ, भावना ना इतनी गलीज होनी चाहिए। भाइयों के खून से सने हों भाइयों के हाथ, भावना ना इतनी गलीज होनी चाहिए। और प्राणियों में दया करुणा सहनशीलता विलीन हुई, ग्रंथियों को इस बात पर भी खीज होनी चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष देश की परंपरा में सर्वोच्च धर्म क्या है, हमको इस बात की तमीज होनी चाहिए। व्यक्ति से बड़ा है समाज, समाज से बड़ा है धर्म, और धर्म से बड़ा है देश, देश से बड़ी ना कोई चीज होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।